ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अंशुल त्यागी। दिल्ली में हिंसा हुई तो पूरी दिल्ली का हाल बिगड़ गया, लेकिन दिल्ली की आम जनता इस पर क्या सोचती है ये जानने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी की टीम बाहर निकली और नॉर्थ वेस्ट के कई इलाकों में, कई विधानसभाओं में लोगों से उनकी राय जानी। शालीमार बाग में हम यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि दिल्ली हिंसा पे इनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या लगता है शालीमार बाग का माहौल कैसा है? ये सीए के विरोध में ये लोग, जो हमारी सरकार जो काफ़ी दिनों से छूट दे रखी थी, इसका फायदा उठा रही है ये मुस्लिम तबका जो लोग हैं वो। देखिए, आप जब पत्थर किसी के सर पर मार रहे हो तो अपने आप को बचाएगा भी, वो फिर मारेगा भी। अब एक दो दिन तो है नहीं है, 90 दिनों से आप कर रहे हो, रोड जाम कर रखे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं आग लगा रहे हो पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली तो एक चलो सामने दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह से खबरें आ रही है। कोई बोल रहा है 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी है, कोई कह रहा 15 मिनट में सारे 100 करोड़ हिंदू साफ कर देंगे। तो ये सबका ये कितना आशीर्वाद है, ये वो चीज़ है, वो वहाँ से उकसा रहे हैं, ये लोग वहाँ कर रहे हैं। क्या लगता है बाबूजी, इस मुद्दे पर राजनीति भी कहीं हुई है? राजनीति नहीं हुई है, इसमें सिर्फ ये हुआ है जो आम पब्लिक दुखी हो गई थी वो आपस में ही वो भिड़ गए, बस इतना ही हुआ। नेताजी पहले ही सोच लेते तो ऐसा काम होता ही नहीं। देखिए, सब मतलब ये सरकार के हाथ में होती है सारी बातें, जो भी समस्या हमारे देश में खड़ी होती है सरकार की वजह से खड़ी हो रही है। कहने के मतलब जो सीए आज लागू हुआ वो पहले भी लागू हो सकता था, मगर पहले लागू नहीं करके अब हुआ। अब होने के बाद सीए पास हुआ नहीं हुआ वो सरकार को ही पता है। उसमें मुसलमान को ये हो रहा है कि मुझे देश से भगा रहा है, मगर एनआरसी और सीए के मतलब देश से भगाना नहीं है। हिंसा हुई है, बहुत गलत काम हुआ है। इसमें जो है पब्लिक को भड़काया गया, उकसाया गया है और पब्लिक उकसा के लड़ी है। इसमें सामने नेता मंत्री नहीं आ रहे हैं, पीठ पीछे से नेता मंत्री का जो ये उकमज किए हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको कुड़ुक करो, उसको कुड़ुक करके और ये उसका मुआवजा जो बन रहा है उसका मुआवजा दो। जैसे हम वहाँ पे गलत काम करने गए हैं तो हमारा संपत्ति जब्त करो और हमारा संपत्ति जब्त करके उनको मुआवजा चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। आज हम जानेंगे लोगों से कि दिल्ली में हो रही हिंसा पर उनकी क्या राय है। बहुत बुरा हुआ है और सब भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे जो है जान माल का नुकसान होता है, गवर्नमेंट की संपत्ति का नुकसान होता है, इसलिए सब भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। भाई पहले से ही जो है इन्होंने सख्ती करनी चाहिए थी और इनको ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इनको ख़त्म करना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ ये अच्छा है, वो अच्छा था। और मेरी जो समझ में बात आ रही है, इस मोदी के राज में बिल्कुल नंगपना हो रहा है और कोई भी इज्जत नहीं है किसी की, ना बेटी की है, ना भाई की है, ना बाप की है, किसी की भी इज्जत नहीं है। इसने ऐसा कर दिया हमारा देश, कोई कुछ पूछ नहीं सकता। कोई दिल्ली में हो रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। कांग्रेस सरकार थी, अच्छा था, कुछ भी था लेकिन ठीक ठाक था, लेकिन बीजेपी आई आ पाई यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पानी बिजली माफ़ हो गया तो क्या सारा कुछ हल हो जाएगा? नहीं हल होगा ना इससे, तो यही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए थे जिससे कि हिंसा रुक सकी? मैं सरकार को समझाता है या पुलिस फोर्स बुला के रखती पहले से, अगर ऐसा हो रहा था जो जहाँ वहाँ भी शाहीन बाग में हुआ है तो इनको पता उसके बारे में नहीं लगा है। कब से 3 महीने से लोग बैठे हुए हैं वहाँ, जब तक इनको नहीं हो रहा था, रोज मीटिंग हो रही थी, लोग जा रहे थे वहाँ, कोई पूछने वाला था, कोई नहीं पूछने वाला था। क्या सोचते हैं? गलत हुआ। हाँ, क्या सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए था सरकार? भाई सरकार को करना चाहिए था, लेकिन करा वो भी अच्छा ही करा। अब तो हालात सुधर रहे हैं वहाँ। इसमें तो केजरीवाल को पहले बोलना चाहिए था, जैसे यूपी में योगी सरकार है, उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि जो भी करेगा वो भरेगा। अगर ये ऐसा कर देते तो हो सकता था इससे बचा जा सकता था। इसमें सारी पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ सब मिली हुई हैं, निर्दोष पब्लिक मारी जा रही है। ये सारा कुछ सोचा समझा एक रणनीति थी लोगों की, उसके हिसाब से हुआ, ये सब प्लानिंग की हुई है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी हिंसा होना ही गलत था। अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ है तो शांति से भी उसके लिए बात की जा सकती है। भाईचारा काय बात का होना चाहिए। अगर आप गोली चला रहे हो तो हम क्या हाथ जोड़ेंगे उनसे? काय बात का भाईचारा? पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाए। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए।
और ये जो दिल्ली के युवा उनको भी समझना चाहिए कि हम लोग एक देश के नागरिक है, सबसे पहले उनका क्या कर्तव्य बनता है। दिल्ली में बड़ी हिंसा आप लोगों को देखने को मिली और जनता ने इस पर खुलकर अपनी राय रखी है कि ये हिंसा क्यों हुई, किस तरह से हुई और जनता का इस हिंसा पर क्या कुछ कहना है। आपने अभी बखूबी सुना, लोगों का कहना था कि हिंसा को नहीं भड़कना चाहिए था, सांप्रदायिक रूप नहीं लेना चाहिए था और ये जो हिंसा भड़की है उसे पहले बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, नेताओं को इस पर स्टैंड बहुत समय से लेना चाहिए था। इस तरह की तमाम चीज़ें जनता के मुँह से सुनने को मिली हैं। क्या अब आगे इस ये जो पूरा रुख है, ये पूरी हिंसा का जो अब थमी है उस पर आगे क्या होता है वो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरामैन लोकेश कुशवाहा के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।